हमास, हिजबुल और हूतीज जैसे कई सारे पैरामिलिट्री ग्रुप्स और आतंकवादी संगठन भी इस युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं और अब ईरान जैसा देश भी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया। इसी के चलते गोदी मीडिया ने 26वीं बार वर्ल्ड वॉर 3 का ऐलान कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, बिल्कुल भी देर नहीं लगाऊंगा, वीडियो बहुत ही अच्छा है। ध्रुव राठी और इराक और इसराइल के हवाले से मैं ये रिपोर्ट लेकर आया हूँ, आप देखिएगा ज़रूर। तो शुरू करता हूँ मैं बिना देरी किए। मेरे दोस्तों, आपने देखा होगा परसों एक वीडियो आया है ध्रुव राठी का। ध्रुव राठी एक बड़े यूट्यूबर है, मैं उनके बारे में क्या बताऊँ, सारी दुनिया उनको जानती है, जर्मनी में वो रहते हैं। उन्होंने ईरान को लेकर एक वीडियो बनाया है जिसमें इसराइल का हवाला भी दिया गया है। उन्होंने उस वीडियो में अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि वो उसे सही से और ईमानदारी के साथ बना सकें। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि ध्रुव राठी जिस देश में रहते हैं, जर्मनी, वो जर्मनी इसराइल को सपोर्ट करता है। अगर उस जर्मनी के अंदर कोई भी शख्स, कोई भी इंसान एक छोटी सी पोस्ट डालता है फलस्तीन के सपोर्ट में, तो फौरन मिलिट्री आकर उसको उसके घर से उठा लेती है। अगर कोई इंसान वीडियो बनाता है इसराइल के खिलाफ, तो उसको उठा लिया जाता है, उसको डिटेन किया जाता है, हवालात में डाला जाता है, जेल में डाला जाता है। ऐसे देश के अंदर रहकर ध्रुव राठी कभी भी ईरान के सपोर्ट में बयान नहीं दे सकते और ना ही वो रियलिटी को बयान कर सकते हैं, वो रियलिटी जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बयान की थी, बिना डरे बिना झुके सारी दुनिया को ये बात बताई थी कि इसराइल क्या है और फलस्तीन क्या है। फलस्तीन की ज़मीन है वो, जिस ज़मीन पर आज इसराइल बसा हुआ है वो ज़मीन फलस्तीन की है, और उस ज़मीन के ऊपर कब्जा करने के बाद इसराइल आज फलस्तीन के लोगों को ही मार रहा है। लेकिन ध्रुव राठी भाई साहब ने वीडियो अच्छा बनाया है, लेकिन वो पूरी रियलिटी नहीं दिखा सकते क्योंकि उनकी मजबूरियां हैं। ध्रुव राठी एक अच्छे यूट्यूबर हैं, इसके अलावा वो जब भी वीडियो लेकर आते हैं, मैं भी उनका एक बड़ा फैन हूं, लेकिन इस मसले पर मेरे विचार उनसे थोड़े से अलग हैं। जिन गिरोह को वो आतंकवादी कह रहे हैं, वो गिरोह क्या सच में आतंकवादी लगते हैं आपको? वो अगर अपनी आज़ादी के लिए आज अगर इसराइल से लड़ रहे हैं तो वो आतंकवादी कैसे हो सकते हैं, बताइए आप। क्या मेरे घर के ऊपर अगर कोई आदमी कब्जा करके बैठ जाएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको ऐसे ही देखता रहूँगा या मैं उससे अपना घर लेने की कोशिश करूँगा? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने वक्त में ये बात कही थी कि वो ज़मीन फलस्तीन की है जिस पर इसराइल ने कब्जा कर लिया है। आज आ रहा जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इसराइल का साथ देगी। आदरणीय मुरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलत फहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, यह हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है, तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। 56 इंच का सीना था उस इंसान का, मैं मानता हूं आज भी। पूरी बीजेपी के अंदर अगर मुझे कोई लीडर पसंद आया तो अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने 5 साल तक जब सरकार चलाई थी तो उस सरकार को उन्होंने बड़ी ही ईमानदारी के साथ, बड़ी ही वफादारी के साथ देश को आगे बढ़ाते हुए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके विकास के साथ आगे बढ़ाया था, चलाया था 5 साल सरकार को। आज भी लोग उन्हें याद करते हैं, एक अच्छे प्रधानमंत्री भारत के, अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन ध्रुव राठी की अपनी मजबूरियां हैं, वो जर्मनी में रहते हैं तो जर्मनी के खिलाफ बोल नहीं सकते। ध्रुव राठी एक बड़े यूट्यूबर हैं, उनका वीडियो आते ही धमाल मचा देता है, करोड़ों फैंस हैं उनके, वो अच्छे फैक्ट पर वीडियो बनाते हैं, लेकिन ईरान और इसराइल के मसले को वो नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर समझने के बाद भी वो सही रिपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। ये चीज़ उनकी मजबूरी कह सकते हैं आप। बहरहाल मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, वो जितना बना सकते थे उन्होंने बनाया, लेकिन उन्होंने वहाँ के जिन ग्रुप्स को आतंकवादी कहा है उन्हें इंडिया में भी आतंकवादी नहीं माना जाता है। जी, इतने ही ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्हें इंडिया में आतंकवादी नहीं माना गया, लेकिन ध्रुव राठी भाई साहब ने सबको आतंकवादी कह दिया। अपने देश के लिए लड़ना आतंकवादी है क्या? तो दोस्तों, ध्रुव राठी का
ये वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो देख सकते हैं। इसके बाद हमारे देश के एक पत्रकार हैं रजा ग्राफी के चाहने वालों ने उनको कमेंट किया कि ध्रुव राठी का एक वीडियो आया है, आप इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, आप इसे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने एक वीडियो में जवाब दिया है कि वो किसी के वीडियो को भी रिप्लाई नहीं करते हैं, किसी के भी वीडियो पर कमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ खबर देते हैं। उन्होंने ये बात बताई कि ध्रुव राठी अच्छे वीडियो बनाते हैं लेकिन इस मसले के बारे में वो ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो सुनिए, रजा भाई का एक वीडियो है ये छोटा सा। आप लोग कह रहे हैं कि रजा भाई आपने ध्रुव राठी का वीडियो नहीं देखा, आपने ध्रुव राठी को रिप्लाई नहीं किया। पहली बात, मैं किसी को रिप्लाई नहीं करता, मेरा काम है खबर देना, मैं आपको खबर देता हूँ, वो भी खबर देते हैं। अब आपका दिल जिसकी माने उसकी मान लीजिए, लेकिन कुछ फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ। ध्रुव राठी में कोई बुराई नहीं है, ध्रुव राठी एक बढ़िया बंदा है, ध्रुव राठी जबरदस्त वीडियो बनाते हैं, लेकिन यहां पर उनकी मजबूरी समझिए। आइए कुछ फैक्ट पर बात करते हैं। हजरत मोहतरम, इजराइल का साथ सबसे आगे कौन दे रहा है? अमेरिका के बाद बताइए जर्मनी। जर्मनी से ज्यादा कोई भी इजराइल को सपोर्ट नहीं कर रहा है। हाल यह है कि जर्मनी के अंदर जो फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी है उन पर आंसू गैस के गोले दागकर प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। हत्ता कि जो फिलिस्तीनी रुमाल साफा है वो भी किसी के पास देख लिया जा रहा है तो गिरफ्तार करके जेल में ठूस दिया जा रहा है। इस तरह से जर्मनी फुल इसराइल को सपोर्ट में है और जर्मनी अंधा पैसा और अंधे हथियार इसराइल को दे रहा है। सोशल मीडिया पर जर्मनी का कोई व्यक्ति जर्मनी में